तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताओ, तुम लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? यार कर दो यार, लाइक कर दो, और अब कर दिया तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना, तभी हम आगे वीडियो लेके आएंगे। बहुत मेहनत करते हैं भाई, करते करो प्लीज, कर दो यार, अभी सब्सक्राइब करो। पहले हमें दिख नहीं रहा बटन, जब तक तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की डीसी मूवी से, जिसका हमने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था जिसमें आपका रिस्पांस अच्छा है, तो हमने सोचा एक लॉन्ग वीडियो बना दे। सही बात है, रानी चाहिए, लाइक कर देना। तो ठीक है, मजाक हो गया, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो डीसी यूनिवर्स जो हमें इस बार लेके आने वाला है, क्या है? सुपरमैन लेगेसी, मतलब सुपरमैन लेगेसी आने वाली है, जिसके एक राइटर है जिनका नाम है जॉन जेम्स गन, जो भी नाम है तुम समझ गए होंगे, तुम्हें तो पता ही होगा, इतने इंटेलिजेंट तो है ही हमारी ऑडियंस। तो जेम्स गन ने इसको राइट किया है, और जहां तक है अभी तो उन्होंने कुछ खास इसके बारे में बताया नहीं है कि ये क्या क्या इसकी स्टोरी होने वाली है। बस उन्होंने ये कहा है कि जो मेरे है, अब डीसी एक नया एरा शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर पुरानी जो गलतियां थी उनको हटा के फिर से नई नई चीजें बनाई जाएंगी। मतलब बात करते हैं हम यहाँ पे सुपरमैन की, तो उसकी ना कुछ अलग वाइब्स आ रही है, मतलब एक तगड़ी वाली वाइब दिखाई जाएंगी, जिसमें पता चलेगा कि मतलब वो सुपर हीरो होते हुए भी उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेशनशिप और जो उसका वर्क है उस पर क्या क्या असर हो रहा है। हाँ, मतलब क्या हो रहा है ये सब, और इसमें जो हमारे वही है ना मोरिस मोराल, जो भी नाम है, हाँ मतलब उनका ही कुछ रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां तक है हमने उसमें तो चले गए हैं मोरिस मोराल यहाँ से, तो डीसी से अभी जा चुके हैं। तो फिलहाल ये मूवी का हमें पता नहीं इसमें क्या दिखाया जाएगा, क्या पता फेस थोड़ा अलग कर दे। तो जहां तक ये शायद से मूवी एनिमे मूवी होने वाली है, हैंडी केवल भैया जो सुपरमैन का रोल निभाते थे वो तो शायद छूट जा चुके हैं, बल्कि उन्हें काफी सारी मूवी से और बाहर निकाल जाएगा, जैसे कि विचर। हाँ, मतलब इस तरह की मूवीज से बाहर निकाल दिया तो काफी बड़ी बात है इनके लिए। तो फिलहाल अभी की बात करें तो हमारे जो जेम्स गनी है, उन्होंने कुछ ग्राफिक्स में कुछ कमी थी वो पूरी कर दी है ठीक, और हर एक मूवमेंट जैसे साउंड इफेक्ट उन सब में ध्यान रखा है, छोटे छोटे एनिमी का पत्थर गिरने से लेके एक पंच तक का, मतलब एक चीज काफी बेहतर है पहले से। काफी टाइम से हमने डीसी की ना मूवी नहीं देखी, और तुम्हें पता है वो अंधेरे में आती है और अंधेरे में ही चले जाती है, तो इस बार कोशिश करेंगे अंधेरा ना आए, थोड़ा उजाला डाले, थोड़ा उजाला लेके आने वाले, और सुपरमैन आने वाला है तो थोड़ा उजाले में होती है। चलो ठीक है, डरना मत, ठीक है। और जहां तक बात करें हम बैटमैन की कुछ पुरानी मूवीज की, जिसमें हमने जोकर का देखा तो हमें वो काफी अच्छा लगा था ना, उसमें काफी अच्छी एक्टिंग थी, तो उसको देखते हुए काफी चीजों को देखते हुए जेम्स गनी ने सोचा है कि हम कुछ नया लेके आने वाले हैं, थोड़ा और ज्यादा ऑडियंस इकट्ठा हो रही है तो कुछ नया लेके आएंगे। सुपरमैन लेगेसी एक अच्छी मूवी होने वाली है, जहां तक हमारे मतलब हमारे क्या रिएक्शन अच्छे आ रहे हैं, बाकी लोगों ने भी काफी कुछ तारीफ करी है उसके बारे में, स्पेशल हम ही नहीं है, और सिर्फ सुपरमैन ने बैटमैन की नहीं बल्कि टीन टाइटन से बाकी लोगों की अच्छी मूवी आने वाली है, जिसमें से ब्लू बीटल जो ऑलरेडी शूट हो रही है इस समय, हाँ, और एक्वामैन जैसे कुछ करेक्टर हैं जो जिनके बारे में सोचा जा रहा है कि इनकी भी मूवीज आए, और काफी हद तक ये मेरे को लग रहा है एक करेक्टर में सुधार लाने वाले हैं। सही बात है। तो फिलहाल तो अभी हम ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने नहीं वाले, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, बहुत टाइम लगता है यार वीडियो बनाने में, फटके हाथ में आ जाती है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो।